हाँ तो चलिए हम क्रॉप वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू रिसेंट क्रॉप वैरायटी। यहाँ हम देख रहे हैं पूसा अरहर 16, ये स्पेसिफिक पिजन पी की वैरायटी है। ये वैरायटी का मेन फंक्शन एक है जो कि एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, जो कि 120 डेज में मैच्योर हो जाती है, जो आपको याद रखना है। एंड द नेक्स्ट फीचर्स इज दिस वैरायटी इज डिटरमिनेंट टाइप ऑफ वैरायटी। नेक्स्ट इज अ सोयाबीन इज अ वंडर क्रॉप। दिस वैरायटी इज JS 9560। This variety very famous variety because this variety is very important because it is this variety is a short duration variety. The next new variety is hybrid maize. The name of this variety is Disha 3502. The next variety is rice is CSR 30. This variety is very famous, is salt tolerant basmati rice variety. The next variety is again Samba Masuri. This variety is particular in which crop? Rice. Again, the related to P, Pusa Pragati. Pusa Pragati is a variety just related to P. So, हमने ये variety देखी है, ये variety सब किससे related है? पल्सेस से रिलेटेड वैरायटी। आप ये वैरायटी को थोड़ा सा अच्छे से रीड करिए क्योंकि अरहर इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्सेस आफ्टर द चिकपी हाइब्रिड मेज बिकॉज इट्स मेज इज अ क्वीन ऑफ सीरियल्स। राइस इज अ मोस्ट स्टेबल क्रॉप सो डेट्स वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सोयाबीन इज अ वंडरफुल क्रॉप बिकॉज इट्स कंटेन 42% प्रोटीन। देन पी is very again important because pea is a rabi season pulses. So this variety please read sequence wise. And the pusa arhar is very important because of the extra early maturity variety and determinant type of variety. Okay, तो आप ये वीडियो को देखिए और ये वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो अगर शेयर ज़्यादा होगा तो हम इससे अच्छे क्वालिटी के और वीडियो ला सकते हैं स्टूडेंट के लिए। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे आइकन्स है उस पर, वो बेल आइकन्स है, आप उसको क्लिक करिए और जो भी हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो रहेगा वो हमारे नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। थैंक यू सो मच।